मैं कहाँ पे मतगणना होनी है, कितने बजे शुरू होंगे और क्या कुछ इंतजाम इसको लेकर, कर्मचारी कितने कर्मचारी तैनात हैं हमारे? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जिले में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनकी जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं आफ्टर पोलिंग गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज नाहन में है, तो यहीं पे उन्हीं के एडजॉइनिंग हमने इनके काउंटिंग सेंटर्स भी रखे हैं रिस्पेक्टिव एसीज के। तो जो भी एज पर गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमने पूरी तैयारी कर ली है, तो हमारे जो वहाँ पे स्टाफ रहेंगे 48 टेबल्स हैं पांचों एसीज में, तो पछाद 55 में 12 टेबल्स हैं, नाहन 56 में 8 टेबल्स हैं, रेणुका 57 में 12 टेबल्स हैं, कोटा और शिलाई में 8-8 टेबल्स हैं। तो तकरीबन ये जिन जिन में 8 टेबल्स हैं तो इनसे इनके 13 से 14 राउंड्स में कंप्लीट हो जाएगा और काउंटिंग प्रोसेस, और ये जिनमें 12 टेबल्स हैं इनमें तकरीबन 11 राउंड्स लगेंगे। तो हमारी तरफ से जो काउंटिंग प्रोसेस के लिए जो स्टाफ चिन्हित किया गया है उनको आज ट्रेनिंग और हैंड्स ऑन प्लस ड्राई रन भी आज हम लोग कर रहे हैं साइट पे, और इनमें काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर्स, और साथ के साथ हमारे जो इलेक्शन कमीशन ने दो काउंटिंग ऑब्जर्वर्स किए हैं वो भी नीचे आज ट्रेनिंग में हैं। तो हमारी तरफ से जो एज पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से हमने पूरा इंतजाम कर लिया है, इंक्लूडिंग कैमराज, फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो भी मतलब एज पर नॉर्म्स वहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। सर कितने बजे शुरू होगी काउंटिंग? मॉर्निंग में काउंटिंग जो है 8 बजे शार्प स्टार्ट हो जाएगी, और जो फर्स्ट ट्रेंड्स है अराउंड 9 बजे के आसपास शुरू हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि नॉर्मल प्रोसेस में अराउंड 1 से 2 बजे के बीच में प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.com।